गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आप लोग को स्वागत है मेरे चैनल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छे हूँ। तो आज आया हूँ ड्यूटी में, तो आज मैं आपको छोटा एक ब्लॉग बना के दिखाऊंगा, वो भी DRI प्रोजेक्ट का। तो आप लोग देखिए वीडियो का, जो लोग नए देख रहे हैं, थोड़ा इंटरेस्ट आपको ये वीडियो में है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, चलिए मेरे साथ बनते रहिए। फाइनली दोस्तों आ गए हैं DRI। ये देखते हैं बिल्डिंग है, ये यहाँ गोली निकलता है, जो बन के तैयार होकर आता है वही गोली इसमें से बिल्डिंग में से निकलता है। और ऊपर यहाँ देख रहे हैं कन्वेयर है DRI का, जितना आपको दिखेगा ज़्यादा से ज़्यादा कन्वेयर ही आपको दिखेगा, क्योंकि बेल्ट ही ज़्यादा चलता है DRI में। ये देखिए पूरा ऊपर का नज़ारा, ये देखिए कन्वेयर गया, इसी में माल जाता है उसी में। ये देखिए पूरा ऊपर का कन्वेयर, इधर भी कन्वेयर, ज़्यादा कन्वेयर का बेल्ट का ही काम है। ये बिल्डिंग है, सचबिन का बिल्डिंग है पूरा, यहाँ पूरा मतलब वो सब मटेरियल अंदर ही में बनता हुआ आता है। देख सकते हैं नज़ारा यहाँ का, देखते रहिए, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों DRI यहाँ सजा के मतलब लिखा गया है, मतलब कोई भी रोड से क्रॉस करेगा तो देख के समझ जाएगा कि ये DRI का ही मतलब प्रोजेक्ट है। यहाँ बिल्डिंग है पूरा, सचबिन बिल्डिंग, यह कन्वेयर आपको ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग है, कन्वेयर ही आपको दिखेगा। ये देखिए हॉपर सब, इसको हॉपर बोलते हैं जो आप दिख रहे हैं अभी। यहाँ चिमनी है, यहाँ काम भी चल रहा है, ये भी एक चिमनी है। आगे में पूरा कन्वेयर ही दिखेगा, देखिए देखिए दोस्तों DRI का प्रोजेक्ट ऐसा ही नज़ारा होता है हर कंपनी में। तो ज़्यादा क्लेन होता है बड़ा तो छोटा होता है, लेकिन ऐसा ही मॉडल होता है, सब कन्वेयर ज़्यादा होता है। देखिए यहाँ चिमनी है ऊपर तक, देखिए बिल्डिंग देख सकते हैं। देखते रहिए दोस्तों, बने रहिए एंड तक, अच्छा लगेगा आपको। देख सकते हैं दोस्तों ये है मेन, एक नंबर क्लीन दिख रहा है साफ साफ आपको। ये है क्लीन 450 का, ये देखिए पूरा यहाँ का मतलब पहला जो क्लीन है उसी का व्यू देख सकते हैं। इसका नीचे यार्ड है, मेंटेनेंस का यार्ड जहाँ मेंटेन होता है, ये नीचे उसके नीचे एक आदमी लोग सब काम करता हुआ। ये है मतलब पहला वाला क्लीन, दो टो क्लीन है, ये पहला वाला है, बगल में दूसरा क्लीन है आपको दिखाऊँगा। इधर से मैं अभी जस्ट चलते हुए आया हूँ। ये देखिए पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे रेडी होके तैयार है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। आगे तक चलते हुए दिखाऊंगा, थोड़ा थोड़ा नज़ारा अच्छा होगा। तो आप देखिए वीडियो ज़्यादा से लाइक कीजिए, और भी आगे कुछ आपको देखना होगा तो प्लीज़ कॉमेंट कीजिएगा, रिक्वेस्ट है आप लोग से। चलिए चलते हैं, देख सकते हैं कि सेफ्टी का रूल्स कुछ यहाँ स्टिकर बनाया हुआ है, क्योंकि सेफ्टी से काम ज़रूरी है, बहुत रिक्स होता है काम, तो सेफ्टी से करिए। जो लोग करते हैं काम प्लांट के अंदर वो लोग, ये स्टोर है कंपनी का। ये इधर से मैं आया हूँ, पूरा बिल्डिंग आपको दिखाते हुए। ये देखिए ये नीचे से दिख रहा है पूरा बिल्डिंग, चलिए आगे तक दिखाऊँगा आपको पूरा ऊपर तक।
देख सकते हैं, यहाँ पूरा बड़ा चिमनी है, पूरा बड़ा देख सकते हैं। जैसे उसी के नीचे खड़ा हूँ, ये लास्ट पोजिशन है डीआरआई का, जहाँ चिमनी लास्ट है। यहाँ से और पीछे मैं जाऊँगा, आप दूसरा क्लीन तरफ भी दिखाऊँगा। यहाँ देखिए बिल्डिंग, यहाँ पे बिल्डिंग है, पूरा हॉपर बना हुआ है, इसी के डस्ट निकलता है पूरा। अब एक साइड से आया, मैं दूसरा साइड से जाऊँगा दोस्तों, देखते रहिए। जाऊंगा पूरा आपका लास्ट तक लेके जाऊंगा। ये जो बगल में दिख रहा है बाएं साइड में, तो वो दूसरा क्लीन है, ये चिमनी जहां मैं दिखाया आपको। तो चलिए चलते हैं देखते हुए। यहां पे भी कुछ ऐसे ही एक ही जैसा सिस्टम है, हॉपर है सब, देखते पूरा मशीन वगैरह बैठा हुआ है। ये एक एमसीसी बिल्डिंग है, यहाँ भी लोग काम किए थे इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका नज़ारा। यहाँ से सीधा जाऊंगा, ये बाएं साइड जो आपको बिल्डिंग दिख रहा है वो दूसरा क्लीन का बिल्डिंग है। ये जो आपको बिल्डिंग दिख रहा है बगल में ही है, पहला एक नंबर उधर से दिखा है, दूसरा इधर से दिखा रहे हैं। देखिए पूरा ताम झाम, पूरा हैवी स्ट्रक्चर है। जो काम करते हैं वो लोग अच्छे से मालूम होगा कि किस टाइप का है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए वीडियो एंड तक, अच्छा लगेगा आपको। देखिए मैं भी साथ में घूम ही रहा हूँ, तो मैं सोचा कि चलो दिखा देता हूँ आपको। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो लोग नए देख रहे हैं वीडियो को जो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं वीडियो आगे। देखिए ट्रांसफार्मर बड़ा सा लगा हुआ है एक तो, ऐसे ही बहुत सारे मशीन है। ये ऑफिस है डीआरआई का, मेन बिल्डिंग एमसीसी बिल्डिंग बोलते हैं हम लोग इसको, जो डीआरआई का सारा स्टाफ वगैरह सब यहीं बैठते हुए हैं। ये गेट है उसका, मेन गेट, यहीं से ऊपर जाते हैं सीढ़ी से चढ़ के ऑफिस में। और चलिए यहाँ का थोड़ा सा वगैरह व्यू देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कन्वेयर इधर से इधर गया है, यहाँ पर भी देख सकते हैं ये सब मशीन मोटर सब लगा हुआ है। ये ऊपर का व्यू आप लोग देख सकते हैं, देखते रहिए एंड तक, अच्छा लगेगा आपको वीडियो। ये देखिए एक नंबर, ये दो नंबर, इधर से आपको एक नंबर दिखा है, ये दो नंबर है। ये कूलिंग टावर है, आप लोग जानते हैं बैक फिल्टर जिसको बोलते हैं। ये देखिए कन्वेयर, दो दो कन्वेयर ऊपर से गए तो नीचे ग्राउंड फ्लोर तक गया, इधर भी कन्वेयर कन्वेयर। मैंने बोला था सर डीआरआई में जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा कन्वेयर बेल्ट का ही काम होता है। ये पीछे से हम इधर से मैं रास्ते से रिटर्न आ ही रहा हूँ, तो ये है कि दूसरा क्लीन। चलिए देखते हुए मज़ा रहते हैं, चलते हैं आइए। तो दोस्तों अगर कैसा लग रहा है वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ देखते हैं, मैं अभी चल रहा हूँ धीरे धीरे आपको भी नज़ारा दिखाते हुए। ये देखिए स्टील रखा हुआ है, कुछ लोहे का बीम चैनल काम हो रहा है इधर भी। तो यहाँ तक मैं पूरा आपका 1-2 का डीआरआई का क्लीन दिखा दिया। ये है साचबिन, ये इसका बिल्डिंग कन्वेयर, जैसे यहाँ कनेक्शन हुआ हुआ है, जुड़ा हुआ है सब। ऐसे ही वीडियो मतलब रिलेटेड तो मतलब देखने के लिए आप लोग बने रहे मेरे चैनल में।
देखिए एंड ये बिल्डिंग आपको उधर से दिखाए थे, ये देखिए साइड से व्यू, ये साइड का व्यू है, ये 1-2 का बगल में, यहाँ से भी कन्वेयर ये निकला है एक तो सीधा वहाँ एकदम, यहाँ कोलसेट बना हुआ है बड़ा 2, उसमें जाके कन्वेयर मतलब बेल्ट कोयला यहीं से आके यहाँ अनलोडिंग होता है। तो ये रहा बिल्डिंग उसका, और ये देखिए साइड से आपका व्यू दिखा रहा है, चिमनी वगैरह सब दिख रहा है। तो देखते रहिए, ये कन्वेयर देखिए सीधा इधर गया हुआ है एकदम कोने तक, वहाँ कोलसेट रखा हुआ है, कोलसेट में वहाँ कोयला रखा हुआ है, वहीं से कोयला लोड होकर बेल्ट से पूरा कन्वेयर इधर आता है, यहीं से मतलब शुरू होता है। दोस्तों बने रहिए वीडियो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हेलो गाइस, कैसा लगा आपको वीडियो? आई होप अच्छा लगा होगा। लेकिन दोस्तों एक रिक्वेस्ट, आप लोग तो वीडियो आप लोग तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है, तो दोस्तों आपके लिए इतना मेहनत हो रहा है तो थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिए दोस्तों, इतना ही बोल सकता हूँ। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल में बने रहिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अभी के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।